हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी बोलो। और आज हम देखने वाले हैं इस्कॉन रोड के पास में मानसरोवर के अंदर एक फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट जो कि आपको 1560 स्क्वायर फीट में मिलता है। तो चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं किस तरीके से है। जैसे आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलता है आपको हॉल का ओरिएंटेशन। सामने मिलते हैं आपको उसके अंदर हॉल में जो है अटैच वॉशरूम और 3 रूम और किचन। सीलिंग की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी इन्होंने डिज़ाइन करी है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल आपको मिलती है और यहाँ पे मिलता है आपको एक वॉशरूम जो कि लिविंग एरिया में आपको अटैच मिलता है, तो जिस तरीके से होने वाला है आपका। और ये आपका हो गया आपका फर्स्ट बेडरूम। इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और सीलिंग डिज़ाइन उन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। और सामने मिलती हैं आपको यहाँ पे वार्डरोब्स कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप अपना एडिशनल जो सामान है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये हो गया आपका वॉशरूम इसके साथ में अटैच कुछ इस तरीके से। और इसके साथ में मिलती है आपको बालकनी और बाहर रोड भी मिलती है आपको। इस फ्लैट के दोनों तरफ आपको रोड मिलती है, सबसे अच्छी बात ये है। और अगर हम चलते हैं अब आगे दूसरे बेडरूम की तरफ, तो दूसरे बेडरूम में जैसे हम एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मिलता है कुछ इस तरीके का इंटीरियर, आप देख सकते हैं। सीलिंग की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी इन्होंने डिज़ाइन करी है। और यहाँ पे मिलती है आपको वेंटिलेशन रूम के लिए। और ये हो गया आपका अटैच वॉशरूम जिस तरीके से इसका इंटीरियर है। और आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। तो इस तरीके से जो है आपको नेक्स्ट बेडरूम जो मिलता है, और LED के लिए पैनल उन्होंने लगा रखा है वुडन। और इस तरीके से सीलिंग की डिज़ाइन, डबल बेड आपको यहाँ पे मिलता है। और ये हो गए आपके वार्डरोब्स जिसमें आप अपने सामान स्टोर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ भी जो है आपको मिलती है एक बालकनी अटैच पीछे, आप देख सकते हैं AC के लिए फिटिंग दे रखी है यहाँ पे। और इस तरीके से पीछे की साइड में भी इसमें रोड है, तो हमेशा वेंटिलेशन आपका ऑन होने वाला है, ऑन रहने वाला है। क्रॉस वेंटिलेटेड फ्लैट है पूरा का पूरा। और एल शेप सोफ़ा आपको यहाँ पे मिलता है। और किचन कुछ इस तरीके से है, किचन भी आपकी बिल्कुल वेल वेंटिलेटेड किचन है। किचन के अंदर भी आपको जो है एक बालकनी मिलती है। और इस तरीके से जो है आपके हैं सॉफ्ट क्लोजर कैबिनेट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। और आरो की फिटिंग यहाँ पे हुई है। और ये कुछ इस तरीके से है इसकी बालकनी इस साइज़ के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये फ्लैट है। और अब हम देखते हैं इसके अंदर जो एमिनिटीज़ हमें मिलती हैं, जैसे जिम हो गया या आपका जो टेरेस गार्डन एरिया हो गया, उसके डिटेल्स हम ले लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अब जिम की तरफ, देखते हैं जिम किस तरीके से होने वाला है आपका। अगर हम जिम की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा जो है जिम और फिटनेस एरिया मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। जो भी बेसिक मशीन्स हैं वो यहाँ पे सारी यूज़ कर लगाई गई है। आप इसको मल्टीपर्पज़ तौर से यूज़ ले सकते हैं, मीटिंग्स करने के लिए भी आप ले सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं टेरेस एरिया, टेरेस गार्डन किस तरीके से आपको मिलता है। आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसलिए शाम को दिन में जब भी आप चाहें। तो इस तरीके से मिलता है आपको टेरेस एरिया, यहाँ पे भी आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छे जो है ऑप्शंस हैं। ऊपर भी आपको टेरेस एरिया पे गार्डन एंड चेयर मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से है इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अगर आपको साइट विजिट करनी है तो आप हमें दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।